प्रीपोजिशंस, व्हाट आर प्रीपोजिशंस, ये क्या होते हैं, किस तरह से सेंटेंस में यूज करते हैं, तो देखेंगे। अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन और जो दूसरे पार्ट है उन सब के बीच में रिलेशनशिप बताता है प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे कि द बुक ऑन द टेबल, हाँ द बुक कहाँ है, टेबल पर है, तो बुक का संबंध बता रहा है टेबल से, और यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ। ओके, अब टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस में हम देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट कैसे यूज होते हैं। तो इन का यूज हम करते हैं मंथ ऑफ ईयर, ठीक है, मंथ में करेंगे, ईयर में भी करेंगे, डे में करेंगे, जैसे कि इन जनवरी, इन 2014-19 जो भी हो। और टाइम में कैसे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन समर, इन विंटर। ओके, उसके बाद देखेंगे कि सेंचुरी है, सेंचुरी इन द स्टोन एज, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, है ना। फिर देखेंगे डे, डे हो तो ऑन होगा, ऑन संडे, ऑन मंडे। ओके, और इसके बाद डेट हो, डेट में भी ऑन होगा, ऑन 5th of March, ऑन 6th of January, जो भी हो। पार्टिकुलर डे हो तो उसमें भी ऑन यूज करेंगे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन रिपब्लिक डे। ओके, एट का यूज करेंगे जो प्रेजेंट मोमेंट में टाइम ऑफ क्लॉक बताता हो, जैसे एट 5 o'clock, एट 7:30 PM। ओके, शॉर्ट और प्रेसिस टाइम में इसमें भी ऐड करेंगे, जैसे एट नून, एट लंच टाइम। ओके, अब देखिए प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, प्लेस के लिए प्रीपोजिशन हम क्या, इन, ऑन, एट, यही यूज होते हैं। कैसे, तो इन यूज करेंगे प्लेस विथ सम बाउंड्री, कुछ बाउंड्री हो जो, है ना, यानी पार्क हो गया, तो जैसे इन द पार्क, और बड़ा स्थान में भी इन यूज होता है, और बाउंड्री के अंदर है देश तो वो भी इन दिल्ली। ओके, इन गिरिडीह, इन रांची। ऑन यूज होता है सरफेस, जहाँ पर कि कुछ टच में हो, जैसे ऑन द टेबल, ऑन ए मैप। ओके, उसके बाद फिर एट यूज होगा स्पेसिफिक प्लेस, जैसे कि एट द एंट्रेंस, एट द गेट, एट द डोर। ओके, ये समझ में आया। अब आइए हम लोग इसे देखते हैं, प्रीपोजिशंस मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस। तो अबव, अबव नियरनेस ऑफ सम काइंड, ये नियरनेस बताता है कैसे किसी के बारे में, सबसे पहले जैसे डू यू नो अबाउट हिम, क्या आप उसके बारे में जानते हो, या ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटीज के प्रति केयरलेस है। टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बारे में हमें बताओ। तो आई एम फंड ऑफ हियरिंग अबाउट शिप्स, मैं शिप्स के बारे में सुनने को पसंद करता हूँ। इस तरह से फिर अबाउट का अर्थ इधर उधर भी होता है, जैसे किसी प्लेस में हम बोले ही इज़ वंडरिंग अबाउट द टाउन, मैंने टाउन के इधर उधर वो घूम रहा है। ही इज़ ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड, मैंने पूरे संसार भर में वो यहाँ वहाँ घूम रहा है। ओके, अबाउट मतलब लगभग भी होता है, नियरनेस ऑफ टाइम, इट इज़ अबाउट 10 o'clock, मतलब 10 बजे के लगभग। ही अराइव्ड एट अबाउट 7 o'clock, 7 बजे के लगभग वो पहुंचा। और कुछ काम होने होने को है, मतलब काम के तुरंत होने का भाव बताते हैं तो भी अबाउट, जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होने को है। द शो इज अबाउट टू स्टार्ट, या आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने को हूँ। ओके, अबव, अबव यूज करेंगे इन ए हायर पोजिशन, ऊंचा कोई हो, जैसे कि ऑन यूज करते सटा हुआ कुछ अदर, जैसे द हैट इज ऑन माई हेड। ओके, लेकिन उससे ऊपर कुछ हो तो जो टच में ना हो तो अबव, जैसे अ सोर्ड वॉज हैंगिंग अबव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर तलवार लटक रहा था, वो टच में नहीं था सिर पे, ऊपर है ना, अबव। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, प्लेन जो था वो आकाश में उड़ रहे थे। और अबव ऊंचाई को भी बताते हैं ना, और इसके साथ ही परे माने ऊपर से, बियॉन्ड द रीच ऑफ माने पहुंच के ऊपर से हो तो, मोर देन या अधिक होने का भाव हो तो। ही इज अबव सस्पिशियस, माने वो संदेह के परे है, उससे ऊपर है, ये भाव भी अबव हो गए। ओके, फीलिंग्स में आ गए।
फिर देखेंगे वी शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, ठीक है, लाइफ से अधिक हमें किससे वैल्यू देना है, मूल्यों को ऑनर, किसे मूल्य देना है तो ऑनर को, है ना, सम्मान प्रतिष्ठा। द एप्लीकेंट शुड बी अबव द एज ऑफ 20, अब एप्लीकेंट्स का एज कितना होना चाहिए, 20 से ऊपर, अबव ऊपर, ओके। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब क्या, फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट, एक साइड से दूसरे अपोजिट साइड तक, के उस पार, जैसे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, माने रिवर के उस पार है उसका घर, ओके। एक छोर से दूसरे छोर के भाव में भी, जैसे फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, हाँ, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर के इस पार से उस पार तुम जा सकते हो। देयर इज ए ब्रिज ओवर अक्रॉस द रिवर, एक ब्रिज है रिवर के अक्रॉस, इस पार से, इस छोर से उस छोर तक। यहाँ देखो अबव भी, यहाँ पे अबव नहीं होंगे, ओवर आ सकता है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, माने ओवर पूरा आच्छादित करते हुए, एक ओर से दूसरे ओर होता है, घेरे हुए होता है, तो ओवर भी यूज हो सकता है, ओके। आफ्टर को देखेंगे, सीक्वेंस में भी ये बताता है, मतलब उसके बाद, लेटर देन, या शोइंग सीक्वेंस ऑफ टाइम प्लेस, ही केम आफ्टर 10 o'clock, 10 बजे के बाद वो आया, माने इसके बाद, आई विल एंटर आफ्टर यू, आपके बाद मैं एंटर करूँगा, प्रवेश करूँगा। जून कम्स आफ्टर मई, मई महीने के बाद जून आता है ना, के बाद, इंडिकेटिंग मच रिपीटिशन, ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, माने एक के बाद एक लगातार, ओके। और इस शैली भी बताता है, इन द स्टाइल ऑफ समबडी या समथिंग, जैसे दिस इज ए पोइम आफ्टर शैली, शैली एक पोइट है, तो ये शैली के स्टाइल को ये बताने हैं, बता रहे कि इस यहाँ शैली या पोइट का नाम है, ओके। और यहाँ शैली मतलब हो गया स्टाइल, तो उनके स्टाइल का ये पोएम है। अगेंस्ट अपोजिशन ऑफ सम काइंड, अपोजिशन मतलब विरुद्ध, किसी के विरुद्ध में, जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध में नहीं हूँ, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के विरुद्ध है। अगेंस्ट मतलब सट कर भी होता है, इन कॉन्टेक्ट विद, जैसे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, वो पेड़ से सट के खड़ा है, लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, की तैयारी में, इन प्रिपरेशन फॉर, देर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कॉलरा, कॉलरा की तैयारी में, हाँ कॉलरा के विरुद्ध है ना, इंजेक्शन है ये, ओके। इन रिटर्न फॉर समथिंग, टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फी, माने पूरे फुल फी करने पर भी टिकट मिलेंगे, इशू होंगे, तो इन रिटर्न फॉर, कुछ रिटर्न करने के लिए भी। अलोंग का यूज कैसे करेंगे, अलोंग माने साथ साथ या बगल बगल, हाँ, और वो किनारे किनारे भी बोल सकते हैं, हाँ, फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, एक से दूसरे एंड तक, क्लोज टू ए पैरेलल विद द लेंथ ऑफ समथिंग, मतलब लगा साथ साथ में चलना, ओके। अलोंग द लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, लाइन कैसे जा रही थी, हाईवे के मतलब साथ ही साथ, वो ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, वो रिवर बैंक नदी के तट पर घूम रहा था, है ना। अलोंग मतलब क्या है, यहाँ साथ साथ नदी का जो बैंक तट है उसी के किनारे किनारे, ओके। फ्लावर्स ग्रो अलोंग द साइड ऑफ द वॉल, दीवार के साइड में, हाँ, फ्लावर्स तो जो थे वो ग्रो, खिले हुए थे, बड़े बड़े, ओके, अलोंग द साइड, मैंने उसके सहारे साथ साथ। एमोंग एंड बिटवीन, एमोंग का यूज होता है दो से अधिक के बीच, और बिटवीन दो के बीच, और दोनों का अर्थ है बीच में, लेकिन दो से अधिक हो तो एमोंग और दो हो तो बिटवीन, जैसे द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन माई टू सन, दो बेटों के बीच में मनी डिवाइड किया गया, तो बिटवीन यूज हुआ। द मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई फोर सन्स, फोर दो से अधिक है तो एमोंग यूज होगा, ओके। फिर उसके बाद आइए एट, एट क्या है, इससे एक निश्चित समय का भी पता चलता है, ही विल कम एट 4 o'clock, ओके। छोटा स्थान हो तो एट यूज होगा, ही लिव्स एट
मधुबने हे इज एट होम, माई सन इज एट स्कूल। तो ये सब छोटे जगह के लिए एट यूज होगा, छोटा प्लेस बता रहे हो तो। फिर देखो इंडिकेटिंग प्राइस, रेट, स्पीड, इन सब के लिए हम लोग एट यूज करेंगे। जैसे राइस सेल्स एट 10 rupees अ किलो, ओके। एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड, एट वाज, ये भी मूल्य के लिए, रेट के लिए है ना, एट यूज आया। आई बाउट दिस कोट एट 25% डिस्काउंट, यहाँ पर भी डिस्काउंट 25% ये रेट बता रहा है। द ट्रेन इज रनिंग एट 60 kilometers an hour, एक घंटे में 60 kilometers, ये दूरी बता रहे ना। तो रेट, स्पीड, प्राइस, इन सब में हम लोग एट यूज करेंगे, ओके। और फिर देखो साथ में कोई दिशा या लक्ष्य हो तो एट, जैसे सी इज लुकिंग एट हिम, वो उसकी ओर देख रही थी, ओके, देख रही है। इसी तरह से ही एम्ड हिज गन एट द थीप की ओर एम किए हुए था गन। इस तरह हम लोग इसके साथ ही इंडिकेटिंग ए स्टेट, कंडीशन और कंटिन्यूस एक्टिविटी को बताने के लिए भी, जैसे चिल्ड्रेन आर एट प्ले, मतलब अभी क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, खेल रहे हैं, खेल पर हैं। दे आर एट वर्क, वो लोग काम पर हैं, मतलब काम कर रहे हैं। ही इज स्टैंडिंग एट इज, वो आराम से है, उसका ये स्टेट, स्थिति बता रहे हैं। ऑक्यूपेशन भी बताते हैं, ओके। बिफोर मतलब पहले, ही विल कम बिफोर लंच, लंच से पहले वो आएगा। ए कम्स बिफोर बी, बी से पहले क्या आता ए, ओके। उसके बाद के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, ही स्टूड बिफोर द जज, माने भी जज के सामने वो खड़ा था। बिफोर मतलब सामने भी होता है, ओके, इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड मतलब पीछे, द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, अपने मास्टर के पीछे डॉग दौड़ा। सी हिड बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे छुप गई। द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम, देखो समय भी बताएगा बिहाइंड, कि अपने समय, ट्रेन जो है अपने टाइम से पीछे है ना। देयर इज अ स्माइल बिहाइंड इज फ्रॉन, उसके ये इस मुस्कान के पीछे क्या है, एक छिपाव है ना, छिपाव का भाव, तो बिहाइंड यूज किए। बिलो मतलब क्या होता है, एट ए लोअर पॉइंट और डिग्री, माने छोटा या नीचा, ठीक है। जैसे प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे मत लिखो, लाइन के नीचे का लाइन क्या हो गया, बिलो दिस लाइन। ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास, तो क्लास में वो, ही स्टूड बिलो, मेरे से पीछे बैठता है, पीछे गबा हो गया। द नंबर वॉज बिलो 20, और वो नंबर क्या बता रहे हैं कि 20 से कम था। बिसाइड और बिसाइड्स, बी साइड, साइड मैंने बगल में, याद रखो, ओके। अब साइड्स हो जाएगा तो इसका अलग उत्तर, तो बिसाइड का अर्थ होता है बगल में, है ना, समीप, जो भी हो। और बी साइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त, इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावे। सी वॉज सिटिंग बी साइड हर मदर, अपनी माँ के बगल में बैठी। सी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, उसकी माँ के अलावे कोई नहीं उसका था, ओके। तो बिसाइड्स माने अलावे या अतिरिक्त, ओके। बियॉन्ड माने होता है ऑन द फार्दर साइड ऑफ, दूर बताता है कि उस पार, उस, जैसे माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, उन पहाड़ियों के उस पार है, मतलब बहुत दूर। इट इज़ बियॉन्ड बिलीफ, ये बिलीफ से, विश्वास करने से, बहुत परे है, एकदम दूर, ये सब यूज होता है, ओके। बट का यूज करते हैं हम लोग छोड़ कर के अतिरिक्त, लेकिन भी होता है और इस छोड़ कर भी होता है। जैसे एवरी वन वॉज देयर बट यू, कि सब लोग वहाँ थे लेकिन तुम वहाँ नहीं थे, बट यू माने तुम्हें छोड़ कर, सब लोग वहाँ थे। Nobody but you could be able. Nobody, कोई नहीं, लेकिन तुम able थे, okay? The problem is anything but easy. Problem जो है वो है, लेकिन ये easy है। All but one were drawn. All, सभी लोग डूब गए, but one, लेकिन एक को छोड़कर, okay? By मतलब nearness भी होता है, देखो, या किनारे। कम एंड सिट बाय मी, मेरे बगल में बैठो, ओके। देयर वॉज ए हाउस बाय द चर्च, के किनारे एक घर था। बाय मतलब समय से पहले भी होता है, माने तक, इतने तक। कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock, मतलब क्या 4 बजे तक तुम फिनिश कर सकते हो काम। बाय का यूज हम लोग जो यातायात, मतलब
बाई बस बाई कार यूज करते हैं ना, वी ट्रेवल बाई बस बाई कार जो भी हो। और उसके बाद देखो द्वारा भी होता है, इंडिकेटिंग मीन्स कोई चीज़ के द्वारा, जैसे मे आई पे बाई चेक, क्या मैं चेक के द्वारा पे करूँ, है ना। आई शेल कॉन्टेक्ट यू बाई लेटर, लेटर के द्वारा हम कॉन्टेक्ट करेंगे। सम अदर यूजेज ऑफ बाई, बाई का जैसे द थीप एंटर्ड बाई द बैक डोर, मैंने पिछले दरवाजे से, है ना, या द्वारा वो आया। हेमलेट हैज़ बिन रिटन बाई शेक्सपियर, किसी के द्वारा लिखा गया तो बाई यूज करेंगे। ओके, फॉर का यूज देखेंगे, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए, ये पर्सनल बेनिफिट। ओके, वट इज फॉर रवि, रवि के लिए क्या है, इट इज़ बुक फॉर चिल्ड्रेन। वट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और किसी के लिए इंडिकेटिंग डायरेक्शन प्लेस भी बताता है, जैसे ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, मैंने अब वो शीघ्र ही घर के लिए जाएगा। इज दिस द ट्रेन फॉर डेली, क्या ये ट्रेन डेली के लिए है, मतलब ये इंडिकेटिंग कर रहे प्लेस। ओके, अब इंडिकेटिंग कॉज और रीजन, रीजन या कॉज भी, कारण भी बताता है, जैसे सी डांस फॉर जॉय, वो आनंद के लिए डांस की। सी गॉट, ही गॉट ए प्राइज फॉर ब्रेवरी, वो साहस के लिए उसे प्राइज मिला, या के लिए, ये कारण बता रहा है किसके लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या ले लेते हैं अब हम लोग, ये तो इजी है, ऑफ लेते हैं। ओके, ऑफ मतलब क्या होता है, अधिकार, जैसे राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ, हाँ, पोजिशन होना। माप तौल में भी ऑफ करते, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, ही बाउट ए किलो ऑफ सुगर या राइस, ही डिमांडेड ए बैग ऑफ कॉइन्स। का के की में भी ऑफ होता है, जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ चेयर। ओके, फिर ऑफ कारण भी बताता है, जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, वो कॉलरा से मर गया। ओके, व्हाट डिड ही डाई ऑफ, वो किससे मरा। ओके, ओरिजिन या स्रोत भी बताता है, सोर्स ऑफ व्हाट फैमिली इज ही स्प्रंग, किस तरह के फैमिली से वो ओरिजिन है। सी इज वीमेन ऑफ रॉयल डिसेंट, रॉयल डिसेंट की है वो। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते। ओके, अब चलते हैं हम लोग ओ डबल एफ, इसका अर्थ क्या होता है। ओ डबल एफ अगर हो तो इसका अर्थ होता है सेपरेशन का भाव होना, अलग होना, सेपरेशन एट ए नियर डिस्टेंस, मतलब एक स्थान से अलग होना। ही फेल टॉप द हॉर्स, वो हॉर्स से गिर गया, फेल ऑफ, ओ एफ नहीं डबल ऑफ। ओके, ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वो टेबल से कूद गया। ओके, मतलब अलग हो गया टेबल से, ऑफ का यही सेपरेशन अलगाव का भाव होता है। कीप ऑफ द ग्रास, ठीक है, कुछ दूरी पर होने का भाव भी ऑफ होता है। देयर इज ए बिग हाउस ऑफ द हाई स्ट्रीट, माने मतलब बहुत ऊंची स्ट्रीट से वो दूर है वो घर। इस तरह ऑफ से हम लोग अलगाव का भाव देखते हैं। नेक्स्ट ऑन, ऑन तो इजी है ना, कॉन्टैक्ट में हुआ वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ। दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, ओके, इस ऑन का भाव समय के लिए भी होता है, जैसे आई एम फ्री ऑन संडे, ऑन मंडे। ओके, किसी के बारे में, आई एम राइटिंग ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में मैं लिख रही हूँ, शेक्सपियर पर लिख रही हूँ, मैंने शेक्सपियर के बारे में। ओके, सदस्य होने का भाव, ही इज ऑन द कमिटी, मैंने वो कमिटी का सदस्य है। ओके, कोई कार्य व्यापार स्थिति हो, जैसे ही इज ऑन टूर, ही इज ऑन बिजनेस, ही इज ऑन होलीडे, माने वो छुट्टी पर है या काम पर है, टूर पर है। ओके, बिल्कुल नज़दीक हो तो क्लोज टू ए प्लेस और टाइम। देयर वॉज नो हाउस ऑन द मेन रोड, कि मेन रोड के नज़दीक कोई घर नहीं है। देयर वॉज अ टाउन ऑन द कोस्ट, एक शहर था कोस्ट के किनारे नज़दीक बिल्कुल। ओके, अब हम लोग देखते ओवर, ओवर का क्या है, अबव और बियॉन्ड एनीथिंग, माने ऊपर सटा हुआ या छूता हुआ, जैसे स्प्रेड ए क्लोथ ओवर द टेबल, टेबल के चारों ओर से फैला हुआ, सटा हुआ, ठीक है, तो ओवर यूज करेंगे। ही पुट हिज हैंड ओवर हर माउथ टू स्टॉप हर स्क्रीमिंग, मुंह पर पूरा, हाँ, वो अपने हैंड को रखा। और सटा हुआ छूता हुआ नहीं हो तो भी ओवर यूज करेंगे, कैसे, देर वॉज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, ऑन हर हेड नहीं, ओवर मानी ऊपर से है घेरे हुए। और
द स्काई वॉज ए क्लियर ब्लू ओवर आवर हेड्स. फिर देखो ऊपर एक छोर से दूसरे छोर तक हो, देर वॉज ए ब्रिज ओवर द ब्रिज, देर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक ब्रिज एक ओर से दूसरी ओर घिरा हुआ, उस पार ही लिप्स ओवर द रोड, रोड के उस पार वो रहता है. ठीक है, अधिक मोर देन, हे इज ओवर 60, वो 60 से अधिक है, ओवर हो गया है ना. द रिवर इज ओवर 60 miles, 60 miles से अधिक है रिवर. ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना. सिंस, सिंस यूज करते पॉइंट ऑफ टाइम में. ठीक है, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मॉर्निंग. और फॉर यूज करेंगे ही हैज बीन एब्सेंट फॉर टू आवर्स, टू डेज, इस तरह से. और फ्रॉम यूज करेंगे हम लोग टाइम के लिए अगर, तो उसमें क्या लिखेंगे फ्यूचर टाइम में, जैसे ही विल हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम मंडे. ओके, दैट्स ऑल. नेक्स्ट इसका और भी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में. दैट्स ऑल, आज इतना ही. कमेंट करेंगे कैसा लगा, और भी प्रीपोजिशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक्स.